हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको सबसे पहले देखे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्तें होती हैं, जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखने का, मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं। या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आप फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढिए, ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे। द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Rose, a block it was filmed in Fourth, California and England, and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda. Two, they were Lauren woman from opposite side of the Atlantic account who arrange a home exchange to escape heartbreak. During the Christmas and holiday, Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Melissa, with Lee Witch, Cheyenne, Shoshanaman, Edward Jones and Rufus Sewell playing की सपोर्टिंग। तो
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है। आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो किस टाइप का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया ताकि लोगों तक पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे जो डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटन बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ के ब्लॉक कैट करे कॉम्बो डियाज, जूड लॉ, जेट ब्लैक, प्रोड्यूशन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज, यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसकी 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगाते हैं मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था। बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म में नहीं था, सब प्लेटफॉर्म नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर नहीं था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब तरीका आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं बता होगी। मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या है, वो चीज़ क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आप फ्री में देखने हैं मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कर आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे। द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मेयर्स, शी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रूस ए ब्लॉक, इट वाज फिल्मड इन फुथ कैलिफोर्निया एंड इंग्लैंड एंड
stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda, two forlorn women from opposite side of the Atlantic accounts who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday seasons. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Melis, with Ely, which Shane Shoshanaman, Edward Jones, and Swing playing key supporting. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्टर है, ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, लोग उस पोस्टर को देख कर लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे डायरेक्ट किया है Nancy Meyers, written by Nancy Meyers, produced by Nancy Meyers, both his blog, Kate Winslet, Mr. Henry, the decision actor, Karik Combone, Diaz, Jude Law, Jack Black, Productions Company, Universal Pictures, Related Media, Free Films, distributed by Sony Pictures Releasing, United States Universal Pictures International, Releasing Date जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006, New York City 8 दिसंबर 2006, United Kingdom and United States, और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है, कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश, और बजट जो लगा था मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन, किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, सब प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है, जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है। जैसे कि
कॉपीराइट इशू जो कि स्ट्राइक इशू जो कि जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं चला सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढिए, ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास, शी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रूस ए ब्लॉक, इट वाज फिल्मड इन फुथ कैलिफोर्निया एंड इंग्लैंड एंड स्टार्स कैट विंसलेट एंड कैमरॉन डियाज एस रीज एंड अमांडा टू डेवलोरन वुमेन फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द एटलांटिक एकॉन्स टू अरेंज ए होम एक्सचेंज टू एसपे ऐसे हार्ट ब्रेक ड्रॉइंग द क्रिसमस एंड हॉलीडे सीन्स जूड लॉ एंड जैक ब्लैक वेयर कास्ट एज द फिल्म लीडिंग मैन ग्रेम एंड मनीष विद इली विच शाइन शोशनामन एडवर्ड रोन्स एंड स्विंग प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे जो डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ द ब्लॉक कैट विनिश मिलेट स्टेनली जिसने मैक्टर करे कॉम्बोन डियाज जोडू लॉ जेट ब्लैक प्रोड्यूशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलेटेड मीडिया फ्री फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगा था मूवी बनाने में 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखा आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपको सब थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।
हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको सबसे पहले देखे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है, जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं। या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Rose, a block it was filmed in Fort California and England, and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda Rue de Valoron, woman from opposite side of the Atlantic, accounts who arrange a home exchange to escape heartbreak, ruin the Christmas and holiday. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Maurice, with Lee Witch, Cheyenne, Shoshanaman, Edward Jones and Rufus Sewell प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, कि लोगों तक ये पोस्टर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देख कर, लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ भी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताने जाता हूँ, इसे डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ इज ब्लॉक कैट मिनिशे जो
ट्रेडिशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलेटिव मीडिया बेवली फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट सोनी पिक्चर्स के रिलीज यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश और बजट जो लगाते हैं मेरे बारे में 85 मिलियन का बजट लगा था बॉक्स ऑफिस में कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं सब प्लेटफॉर्म नहीं था ये मिल जाते यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं जब देखिए आपको अच्छा लगे ठीक है दोस्तों हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आजकल मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्तें होती हैं जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं वो चीज़ क्या है जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए स्ट्राइक इशूज हो गए जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ दूसरी बात यह अगर आपको यह मूवी देखनी है अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ वो दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं या फिर दूसरा तरीका यह है अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी गूगल पर जाइए सर्च कीजिए सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास She produced by Rose a block it was filmed in Fourth California and England and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda to develop on woman from opposite side of the Atlantic account who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men Graham and Melissa
which shine Shoshanaman had worked bronze and resource swing playing key supporting. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखें, लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटन बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ के ब्लॉक कैट मिनिश मिनी डेट स्टेल जिसने एक्टर करे कॉम्बो डियाज जॉर्डन लॉ जेट ब्लैक, प्रोड्यूशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल, रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है, कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश, और बजट जो लगाते हैं मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, सब प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब देखिए आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं बता होगी, तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है, जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है अगर आप फ्री में देखने हैं मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कर आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मेयर्स,
Sheer produced by probes, a block it was finite in foot, California and England and stars, cat, Winslet and Cameron, Diaz as Reese and Amanda, two Devaloran women from opposite side of the Atlantic accounts who arrange a home exchange to escape heartbreak, ruin the Christmas and holiday scenes. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Maurice, with Lee Witch, Cheyenne, Shoshanaman, Edward Jones and Rose Swing playing key supporting. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, लोग उस पोस्टर को देख कर लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ हुई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका डायरेक्ट क्या है, नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ के ब्लॉक, कैट विनिलेट, स्टेनली जिसने मैक्टर करे, कॉम्बोन डियाज, जॉर्ड लॉ, जेड ब्लैक, प्रोड्यूशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया फ्री फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज, यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल, रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006, न्यूयॉर्क सिटी 8 दिसंबर 2006, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है, कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश, और बजट जो लगा था मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जो उसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, सब प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज
यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं जा सकता। तो मैं आपको शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं चला सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं। या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढिए, ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Bruce a block. It was filmed in Fort California and England and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda. True, they were on woman from opposite side of the Atlantic account who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Melis, with Lee Witch, Shyam Sushanaman, Edward Jones and Rufus Sewell प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे जो डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ द ब्लॉक, कैट विनिश ज जेट ब्लैक, प्रोड्यूशन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज यूनाइटेड स्टेट, यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगा था मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस ने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से इस मूवी को
देख सकते हैं, जब जब देखें आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको सब थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप और दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको सबसे पहले देखे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आप फ्री में देखने हैं मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Bruce a block. It was filmed in Fort California and England and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda Pro de Valoron. Woman from opposite side of the Atlantic accounts who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Maurice, with Lee Witch, Cheyenne, Shoshanaman, Edward Jones and Rufus Sewell प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, लोगों तक ये पोस्टर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देख कर, लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ भी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी को डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ इज ब्लॉक, कैट विनिश
डियाज, जॉर्डन लॉ, जेट ब्लैक, प्रोड्यूसर्स कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया, बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज, यूनाइटेड स्टेट, यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगाते हैं मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगाते हैं। बॉक्स ऑफिस में कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये सब देखिए मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं था सब यूट्यूब नहीं था ये मूवी आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको सब। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आजकल मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखूँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्तें होती हैं जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढिए, ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास, शी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रोस ए ब्लॉक, इट वाज फिल्मड इन फुथ कैलिफोर्निया एंड इंग्लैंड एंड स्टार्स कैट विंसलेट एंड कैमरोन डियाज एस रीज एंड अमांडा टू एवलोरन वुमेन फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द एटलांटिक एकॉन्स टू अरेंज ए होम एक्सचेंज टू एसे हार्ट ब्रेक ड्रोइंग द कस्मिस्ट एंड हॉलीडे फिल्म्स जूड लॉ एंड जैक ब्लैक कास्ट एज द फिल्म लीडिंग
मैन ग्रेन एंड मलीज विद इली विच शाइन शोशनामन एडवर्क रोल्स एंड स्विंग प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया ताकि लोगों तक पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखें, लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटन बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ के ब्लॉक कैट मिनिश मिनी डेट स्टेनल जिसमें से मैक्टर करे कॉम्बो डियाज जॉर्डन लाओ जेट ब्लैक, प्रोड्यूशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलेटिव मीडिया बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल, रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, और रनिंग टाइम जो है इसकी 136 मिनट्स है, कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश, और बजट जो लगा था मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, सब प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब तरीका आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आजकल मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं बता होगी, तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है, जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है अगर आपको फ्री में देखने हैं मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म
read, produced, and directed by Nancy Myras. She produced by Bruce A. Block. It was filmed in Fort California and England, and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda, two forlorn women from opposite side of the Atlantic accounts who arrange a home exchange to escape heartbreak, ruin the Christmas and holiday scenes. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Maurice, with Ely, which Shane Shoshanaman, Edward Jones, and Swing playing key supporting. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, लोग उस पोस्टर को देख कर लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे डायरेक्ट किया है Nancy Myers, written by Nancy Myers, produced by Nancy Myers, both the block, Kate Winslet, Mr. Hill, the decision actor, Karik Combone, Diaz, Jude Law, Jack Black, Productions Company, Universal Pictures, Related Media, Beverly Films, distributed by Sony Pictures Releasing, United States, Universal Pictures International. Releasing date जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006, न्यू यॉर्क सिटी 8 दिसंबर 2006, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगा था मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन, किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क स्टूडियो। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, सब बिल्कुल नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता,
क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं देना चाहता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं देना चाहता। तो मैं आपको शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या है, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं चला सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं। या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी। साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढिए, ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Bruce a block. It was filmed in Fort California and England and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda. True, they were on woman from opposite side of the Atlantic account who arranged a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Melis, with Lee Witch, Shyam Sushanaman, Edward Jones and Rufus Sewell प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे जो डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ इज ब्लॉक, कैट विंसलेट, कॉम्बोन डियाज, जूड लॉ, जैक ब्लैक। प्रोड्यूशन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया बेवरी फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज, यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगा था मूवी बनाने में 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो
नहीं मीडिया को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको सब थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको सबसे पहले देखे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। और हाँ दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आप फ्री में देखने में भी गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Rose a block it was filmed in Fort California and England and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda Rue de Valoron woman from opposite side of the Atlantic account who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Maurice, with Lee Witch, Cheyenne, Shoshanaman, Edward Jones and Rufus Sewell प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा, लोग उस पोस्टर को देख कर लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ से, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स,
William Hewitt's book, his blog, Kate Winslet, Mr. Henry, the Justice Michael Curry, Combo, Diaz, Jordan Law, Jet Black, Productions Company, Universal Pictures, Related Media, Beverly Films. Distributed by Sony Pictures, their release, United States, Universal Pictures, International. Releasing date जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006, न्यूयॉर्क सिटी 8 दिसंबर 2006, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगाते हैं मेरे बहन पचास मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस में कमाई करी थी, वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था सब यूट्यूब नहीं था ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको सब थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आजकल मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्तें होती हैं जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Rose, a block it was filmed in Fourth, California and England, and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda Two Devaloron woman from opposite side of the Atlantic account who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday
Queens, Jude, Law and Jack Black were cast as the film leading men, Graham and Melise, with Ely, which Shane Shoshanaman, Edward Jones and Rufus Sewell playing key supporting. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्टर है, ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखें, लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे जो डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटन बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ के ब्लॉक कैट मिनिश मिनी डेट क्रिस्टन हेलिंग जिसमें एक्टर करे कॉम्बोन डियाज जॉर्डन लॉ जेट ब्लैक, प्रोड्यूशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल, रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, और रनिंग टाइम जो है इसकी 136 मिनट्स है, कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश, और बजट जो लगाते हैं मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म नहीं था, सब प्लेटफॉर्म नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर नहीं था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता है? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज़ क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन नहीं है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे। द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। शी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रूस ए ब्लॉक। इट वाज फिल्मड इन फुथ कैलिफोर्निया एंड इंग्लैंड एंड स्टार्स कैट विंसलेट एंड कैमरॉन डियाज एज रीज एंड अमांडा टू वेलोरन वुमेन फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द एटलांटिक एकाउंट्स टू arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday scenes. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men Graham and Maurice with Lee which Shine Shoshanaman Edward Jones and Swing playing key supporting. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ के ब्लॉक कैट विंसलेट स्टेनली जिसमें से एक्टर करे कैमरॉन डियाज, जूड लॉ, जैक ब्लैक। प्रोड्यूशंस कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटेड मीडिया फ्री फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स रिलीज, यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगा था मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था, बॉक्स ऑफिस जिसने कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको सकूँ। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आज को मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले देखें। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए,
दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं। या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको फ्री में देखनी है मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढिए, ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास, शी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रोस ए ब्लॉक, इट वाज फिल्मड इन फुथ कैलिफोर्निया एंड इंग्लैंड, एंड स्टार्स कैट विंसलेट एंड कैमरॉन डियाज एस रीज एंड अमांडा टू डेवलोरन वुमेन फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द एटलांटिक एकॉन्स टू अरेंज ए होम एक्सचेंज टू एसपे ऐसे हार्ट ब्रेक ड्रॉइंग द कस्टमिस्ट एंड हॉलीडे जूड्स लॉ एंड जैक ब्लैक वेयर कास्ट एज द फिल्म लीडिंग मैन ग्रेम एंड मनीष विद ई विच शाइन शोशनामन एडवर्ड रोन्स एंड स्विंग प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी का पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप का है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, कि लोगों तक ये पोस्टर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन होगा मूवी की तरफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे जो डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटिंग बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बोथ द ब्लॉक कैट विंसलेट स्टेनली जिसने इसमें एक्टिंग करी, कैमरॉन डियाज, जूड लॉ, जैक ब्लैक, प्रोड्यूशन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटेड मीडिया फ्री फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स के रिलीज, यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगाते हैं 85 मिलियन का बजट लगाते हैं, बॉक्स
पॉपुलेशन कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये समझे कि मीडिया को यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म नहीं था सब प्लेटफॉर्म नहीं था ये मीडिया को यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर नहीं था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको सब थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो आज मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कुछ, जो कि मूवी का नाम है द हॉलीडे। तो इस हॉलीडे मूवी के बारे में आजकल मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं आज आपको इस मूवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको सबसे पहले देखे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग यही समझ रहे हो कि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब के इशूज की वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। इशूज यूट्यूब की शर्त होती है जिसके अनुसार मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको वो शर्तें बता देता हूँ कि वो शर्तें क्या हैं, वो चीज क्या है। जैसे कि कॉपीराइट इशूज हो गए, स्ट्राइक इशूज हो गए, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता। और हाँ, दूसरी बात यह, अगर आपको यह मूवी देखनी है, अगर आपका मन है इस मूवी को देखना, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ। वो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप 200-250 रुपये खर्च कर लीजिए, इससे कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगी, साइड ओपन होने के बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आप फ्री में देखने हैं मूवी, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद इसे ढूंढ कर इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताते हैं, किसी भी तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो सब तरीके आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है द हॉलीडे इज ए 2006 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म राइट प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नैन्सी मायरास। She produced by Rose, a block it was filmed in Fort California and England and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Reese and Amanda Rue de Valoron. Woman from opposite side of the Atlantic account who arranged a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday. Jude Law and Jack Black were cast as the film leading men Graham and Maurice with Lee which Cheyenne Shoshanaman Edward Jones and Swing प्लेइंग की सपोर्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूवी का पोस्टर है, आप इस मूवी के पोस्टर को देख सकते हो कि मूवी पोस्टर किस टाइप का है, और आप इस मूवी के पोस्टर को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि मूवी किस टाइप की होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्टर है ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया था कि लोगों तक ये पोस्टर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को देखकर लोगों का जो अट्रैक्शन हो मूवी की तरफ
लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखने के लिए आए। तो दोस्तों मैं आपको बताने जाता हूँ, इसे डायरेक्ट किया है नैन्सी मेयर्स, राइटन बाय नैन्सी मेयर्स, प्रोड्यूस बाय नैन्सी मेयर्स, बूफ इज ब्लॉक कैट मिनिश कॉम्बो, डियाज, जोडुल्लाव, जेट ब्लैक, प्रोड्यूशंस कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलेटिव मीडिया, बेवली फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाय सोनी पिक्चर्स के रिलीज, यूनाइटेड स्टेट, यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। रिलीजिंग डेट जो है इसकी वो है 29 नवंबर 2006 न्यूयॉर्क सिटी, 8 दिसंबर 2006 यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और रनिंग टाइम जो है इसके 136 मिनट्स है। कंट्री जो है इसकी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज जो है वो है इसकी इंग्लिश। और बजट जो लगाते हैं मूवी बनाने 85 मिलियन का बजट लगा था। बॉक्स ऑफिस में कमाई करी थी वो करी थी 205.1 मिलियन किसने कमाई करी थी न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों अगर आप लोग ये सब देखिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था सब यूट्यूब नहीं था ये मूवी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, किसी भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, जब जब देखिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि